प्रणाम, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो नए साल में अपनी नई वीडियो लेकर, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आप सभी के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। तो क्या किया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए आज की मोटिवेशनल वीडियो? क्योंकि आप सभी को तो बेसब्री से इंतज़ार होगा ना हमारी वीडियो का। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले ईश्वर की वंदना करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। और जितने समस्त देवी देवताएं, सभी को धन्यवाद है और मेरा प्रणाम है। विषय पे जाने से पहले आप सभी से मैं एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। ज़रूरी बात यही है कि जैसा आप सब ने पिछले वर्ष हमारा साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, ठीक वैसा ही साथ और वैसा ही आशीर्वाद इस वर्ष भी मैं आप सब से चाहती हूँ। तो कृपया करके अपनी छोटी बहन केएस का साथ ऐसे ही देते रहिए और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए और साथ ही साथ हमारे लिए प्रे ज़रूर करते रहिएगा। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करती हूँ और अपने विषय पर, यानी आज के टॉपिक पर मैं चलती हूँ। कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें। पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग यू डू। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि अपने सभी कार्यों में, अपने सभी कर्मों में सबसे पहला स्थान अपने ईश्वर को दें। आशा करती हूँ कि आज का जो ये विषय है, ये टॉपिक आप सभी भाई बहनों को बेहद पसंद आएगा और आज हम इसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। मेरे बातों का बस यही तात्पर्य है कि अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, यानी कोई भी कार्य करते हैं, तो इसकी प्रेरणा हमारे ईश्वर ही हमें देते हैं। नए काम की शुरुआत करते हैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं, पर हमेशा शुरुआत में ही क्यों दें? हर वक्त क्यों नहीं हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें? क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं की प्रेरणा से तो होती है, उन्हीं के आशीर्वाद से तो होती है। और जब हम उनको क्रेडिट देते हैं, यानी अगर भगवान को हम क्रेडिट देते हैं, तो इससे हमारे अंदर की जो भी घमंड है, जो भी ईगो है, वो कम होती है, वो हटती है, क्योंकि हमारे अंदर मैं नहीं बचता है, हम बचता है। तो जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कोई भी काम में, कोई भी कार्य के लिए, तो इससे एक ही चीज़ होता है, हमारे अंदर का जो ईगो होता है, यानी अहंकार होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। बच्चा खुसा जो प्राइड होता है, वो भी तहस नहस हो जाता है और इससे हमारे अंदर एक दिव्य आत्मा प्रज्वलित होती है, यानी एक बेहतर इंसान में हम तब्दील होते हैं। चाहे स्थिति जैसी भी रहे, हमेशा ऊपर वाले ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि कोई भी स्थिति ऊपर वाले से बड़ी नहीं हो सकती है, कठिन नहीं हो सकती है। अगर वो आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं तो कुछ सोच के ले रहे हैं, वो आपके अंदर के एक अच्छे इंसान को बाहर लाना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप में कितनी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो। जो आप दुनिया को अगर बेहतर बन के दे सकते हो, तो दुनिया भी एक टाइम आने पर, हो सकता है कुछ देर लगे, पर दुनिया भी आपको वापस ज़रूर करेगी, क्योंकि यही तो इसको कर्मा बोलते हैं ना। तो इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन यानी ऑल जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग करने की इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ वीडियो अपलोड करने की इन्फॉर्मेशन आप सभी के नोटिफिकेशन में आ पाए। और जितने भी भाई बहन हैं, मैं एक बार फिर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और अपना ब्लेसिंग यानी अपना आशीर्वाद हम पे यूं ही बनाए रखें और ऊपर वाले से हमारे लिए भी प्रे जरूर कीजिए। बस यही बोलूँगी कि साल जरूर नया है, लेकिन मुझे आप सभी का साथ पुराने साल की तरह ही चाहिए, जो एक अटूट बंधन है, एक अनोखा बंधन है, एक विश्वास का बंधन है, वो हमेशा बनाए रखें। और आशा करती हूँ कि आज की हमारी ये मोटिवेशनल टॉपिक आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, अपना साथ यानी अपना समर्थन ऐसे ही बनाए रखिए। वी शेयर, वी ग्रो। प्रणाम।